नमस्कार दोस्तों, आज हम आप एक आपको एक ऐसी जगह से, एक ऐसे स्थान से जो टूरिज्म की दृष्टि से बेहद खूबसूरत है, और उसके बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये है फूलाधार। और ये फूलाधार जो है, ये बरोट और जोगिंद्रनगर के बीच में जो झटिंगरी जगह है, वहाँ से थोड़ा 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ के ये फूलाधार नाम से काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ से बहुत दूर दूर तक का नज़ारा दोनों तरफ दिख रहा है। एक तरफ जोगिंद्रनगर वैली नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ जो है ये बरोट वैली है, पूरा चौहार वैली जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी चौहार घाटी है। और आप सामने देख रहे होंगे, ये पूरे हरे भरे जंगल, पहाड़, और आज थोड़े से बादल भी हैं, और ये बादलों में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, जैसे सड़क ठीक नहीं है, और आने जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे खाने पीने की जो है चीज़ें जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ये थोड़ा सा, तो मैं अभी और रूबरू कराऊंगा। तो ये सामने आप ये देखिए, ये पूरा चौहार घाटी का, इसके नीचे बरोट है। आपको यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन इसके नीचे बरोट है, और बिल्कुल डीप में ऊल नदी जो यहाँ से नीचे से बहती है, और सामने आपको बरोट, ये चौहार घाटी का थल टू खोड है, और उसके बाद आगे ये तरसवान गांव है, धार गांव है, उसके आगे सिल बुधाणी, और जो भूपू जोत, जो अभी जैसे सरकार ने पीछे प्रपोज भी किया है कि कुल्लू के लिए, जोगिंद्रनगर से कुल्लू के बीच में अगर ये भूपू जोत आती है, अगर इसके बीच में अगर टनल बन जाती है, तो हमारा कुल्लू आना जाना बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये प्रपोज्ड है, हो सकता है भविष्य में ये क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए पूरा चौहार घाटी। और ये अभी जो जहाँ से अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फूलाधार है। तो फूलाधार में ही अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो ये फूलाधार में ये सामने जो है, ये कृषि विभाग, जो हमारा एग्रीकल्चर विभाग है, उसकी ज़मीन है, और ये फार्म है। और जैसे कि मैंने स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कृषि विभाग की ये ज़मीन है, और यहाँ पर आलू का बीज तैयार किया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने देखा, तो 2 साल से ये अभी ये ज़मीन खाली है, लेकिन ये यहाँ पर ये कृषि विभाग की ज़मीन है यहाँ पे। और इसके साथ ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, तो ये बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत स्थान है। बिल्कुल शांत वातावरण है, और चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पूरा मतलब एक तरह से लश ग्रीन एरिया है। तो ये हमारा फूलाधार का ही थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। और नीचे फूलाधार का ये गांव पड़ता है, यहाँ लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, लोगों ने यहाँ पे अपनी विभिन्न तरह के कैश क्रॉप भी लगाई है, राजमास लगाए हैं, उसके बाद लोगों ने गोभी लगाई है, और मैंने नीचे जो है कुछ लोगों ने जो है वो सेब भी लगाया है। तो ऐसे मैंने कुछ लोगों के नीचे पौधे देखे हैं गाँव में। तो ये पूरा नज़ारा है फूलाधार का, लेकिन बस यहाँ दिक्कत यही है, एक तो कनेक्टिविटी नहीं है ठीक से, रोड बिल्कुल स्टीप है, कच्चा है, और अगर बरसात हो या कोई इस तरह का हालात हो तो आपको आना बड़ी दिक्कत है। और आपको झटिंगरी से अगर आप पैदल चलते हैं, तो लगभग 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो पैदल चलने के लिए अच्छा है। यहाँ आके खुला मैदान है, और यहाँ आके थोड़ा सा बैठ के सुकून मिलता है। और इस अगर गर्मी के मौसम की बात करें, तो अगर आप जब भरी गर्मी से आप यहाँ आएंगे, तो आपको एक ठंडी हवा, ठंडा एक ठंडक, ठंडे वातावरण का आपको एहसास होगा। तो ये अच्छी जगह है, और अगर कभी आपको समय मिले तो आप थोड़ा सा समय यहाँ जरूर निकाल लें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आने के लिए समस्या तो है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। तो साथ में ये एक बार फिर से अगर आप ये देख लें, पूरी चौहार घाटी जो है, यहाँ से पूरी चौहार घाटी नज़र आती है, और ये नीचे सुधार गांव से लेकर ये ऊपर बरोड़ तक का पूरा ये एरिया आप को कैमरे में नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये सारा वैली नज़र आ रही है। और
बहुत अच्छी जगह है, अगर थोड़ा सा कभी आप घूमने का मन करे तो आप आ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा फैसिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर उस तरह की नहीं है। तो आप सबका एक बार फिर से इस फूलाधार से जो एकदम आपका जो मंडी जोगिंदर नगर नेशनल हाईवे है वहाँ पे एक झटिंगरी जगह है, घटासनी जगह, घटासनी से 4-5 किलोमीटर ऊपर आके झटिंगरी है जो एकदम बरोट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ से फूलाधार के लिए रास्ता आता है, 4-5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो आपको थोड़ा पैदल आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, रोड गाड़ियाँ भी आती है लेकिन रोड उतना अच्छा नहीं है तो रिस्क ना लें। तो आप सबको एक बार फिर से फूलाधार से नमस्ते, राम राम, जय हिंद।